आपका नाम कहाँ लिखा है? Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. ये पांव ऊपर चलेगा, एक पांव ऊपर एक पांव नीचे होगा ना. देखिए, मैं लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तब से हर रोज़ ही आता हूँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर हर रोज़ कुछ जगहों पर जाता हूँ, कुछ घंटे फील्ड में रहता हूँ. और कोशिश यही है कि मेरे साथी समझें कि ये बहुत गंभीर ड्यूटी है जो हमें दी गई है, और वो सभी खुद मेहनत करें और बाहर निकल करके अगर वो देखेंगे कि उनके ज़िले का पुलिस अधीक्षक खुद रोड पर है तो उनके मनोबल में वृद्धि होगी और वो खुद भी काम करना चाहेंगे. सर, लगातार अभी भी कुछ लोग हैं जो बेवजह ही बाहर निकल, उन पर किस तरह का? देखिए, दो तरह के लोग हैं. एक तो वो जिन्होंने कहीं से पास प्राप्त कर दिया है, और चाहे उनके पास जेन्यून रीज़न है या फिर हो सकता है कोई बहाने बना करके, तो पास वाले लोगों की संख्या काफ़ी है. व्हीकल्स जो हम पकड़ रहे हैं अधिकतर पास वाले लोग मिल रहे हैं. कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने साथ किसी बुजुर्ग को लेकर के बहाना बनाते हुए निकल गए, या फिर कुछ और छोटे मोटे रीज़न से निकल रहे हैं, तो उनके साथ लगातार सख्ती हो रही है. आप देख रहे हैं लगभग 7,500 वाहनों पर कार्रवाई हम इस लॉकडाउन अवधि में कर चुके हैं, तो ऐसे लोगों पर सख्ती लगातार जारी रहेगी. मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि बिना कारण के घर से एक तो नहीं निकलें, और वाहनों का इस्तेमाल करने से पहले परमिशन प्राप्त करें, क्योंकि प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है. केवल सामान को लाने ले जाने वाले लोडिंग टेम्पो, ट्रक आदि वाहनों की ही अनुमति. अभी भी हमें लगातार जो लोग हैं पैदल बाहर से आ रहे, कल भी एक कल्याणीपुरा में है ना एक व्यक्ति है जो संदिग्ध यहाँ आ गया था बॉर्डर सीज होने के बावजूद. हाँ, देखिए, बॉर्डर सीज का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे गाँव के कच्चे रास्ते सारे सीज हो सकते हैं. बॉर्डर सीज में हम हमेशा ही जो गांव की गलियां होती हैं उन्हें सीज करते हैं और मेन रोड सीज करते हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हैं कि वो रास्ते भी नहीं होते हैं, खेतों से जुड़ा हुआ है हर सब कुछ हमारे यहाँ पर. हमारे ज़िले जो हैं आपस में खेतों से जुड़े हुए हैं, खेतों के रास्ते जो हैं उन्हें हम बंद कर सकते हैं, पर आपस में खेतों के संपर्क बंद नहीं कर सकते हम. यदि कोई पैदल मूव करना चाहता है तो उसके पास बहुत सारी संभावनाएँ हैं. एक ही नियम है जो इस समय हमारे सरकार के द्वारा बताया गया है कि जो जहां मिले यदि वो पैदल चलकर के भी आ गया हो उसे वहां कैंप में रखवाएं. हमारे ज़िले में इस समय हम 1800 के आसपास लोगों को कैंप में रख करके सरकार उनको खाना खिला रही है, जबकि वो अन्य ज़िलों के हैं या कई उनमें से कई तो अन्य राज्यों के हैं. तो ये वो लेबर है जो कि अपने स्थान से मूव कर गया और वो कहीं पहुँच नहीं पा रहा है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है. तो वो हमारे एरिया में जब वो पहुँचा तो हमने उसे रोक करके उन कैंप में ठहराने की व्यवस्था की है. तो लोग हो सकता है ऐसे अभी भी पैदल चल रहे हों, हमारे संपर्क में जब भी वो व्यक्ति आएंगे हम उन्हें कैंपों में रुकवाएंगे, उनका चेकअप करवाएंगे, उनकी स्क्रीनिंग करवाएंगे, संदिग्ध होंगे तो आइसोलेशन करवाएंगे. जो हमारी जिम्मेदारी उसका पूरा पालन किया जाएगा. नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन. देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं. इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे. खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें. इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें. अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप. अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं. भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें. अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें. ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें. अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें. अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य
एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7800-46। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।